हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो आज मैं आप लोग के साथ एक प्रोडक्ट का रिव्यू शेयर करने वाली हूँ। सो जिस प्रोडक्ट का मैं रिव्यू करने वाली हूँ वो मेरा ऑल टाइम फेवरेट ब्रांड है। रिसेंटली मैंने इसके कुछ प्रोडक्ट के रिव्यू भी आप लोगों के साथ शेयर किए हैं। सो मैं बात कर रही हूँ पिलग्रिम की। तो यस, पिलग्रिम का ये न्यू लॉन्च प्रोडक्ट है जिसका हम लोग रिव्यू आज देखने वाले हैं। ये है वाइट लोटस सनस्क्रीन सिरम विद SPF 30 PA++++। तो इसका हम लोग रिव्यू देखेंगे, ये प्रोडक्ट कैसा है और किस तरह से वर्क करता है, इसके बेनिफिट्स आज इस वीडियो में आप लोगों को मैं बताऊंगी। तो अगर आप लोग भी जानना चाहते हैं कि कैसा है और आपको लेना चाहिए या नहीं और इसके बेनिफिट्स क्या हैं, तो इस वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। बट उसके पहले अगर आप मेरे चैनल पर फर्स्ट टाइम आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक भी कर दीजिएगा। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं रिव्यू। सो सबसे पहले हम लोग बात कर लेते हैं इसकी पैकेजिंग की। तो ये जो प्रोडक्ट है ये पिलग्रिम की जेजू आइलैंड रेंज में से है। जैसे कि आप लोगों को पता होगा कि पिलग्रिम में दो रेंज आती है, एक वीनो थेरेपी रेंज होती है और एक जेजू थेरेपी होती है। वीनो थेरेपी फ्रांस से रिलेटेड होती है और ये जेजू आइलैंड रेंज है ये कोरिया से रिलेटेड होती है। तो ये जेजू आइलैंड रेंज में से है। तो इस तरह से कार्डबोर्ड पैकेजिंग में ये आता है और इसके पैकेजिंग बहुत अच्छे होते हैं। आपको पैकेजिंग पर ही सारे डिटेल्स मिल जाएंगी। यहाँ पर फ्रंट साइड में आपको इसका नेम और रेंज जो है वो दी हुई है। यहाँ पर आपको इसके डायरेक्शन और यूजेस बेनिफिट्स यहाँ पर मेंशन किए हुए हैं। देन आपको बैक साइड में यहाँ पर इसका प्राइस जो है वो मेंशन किया है, जो कि है 400 रुपीज़ और 24 मंथ्स का इसका शेल्फ लाइफ है और अदर डिटेल्स भी यहाँ पर मेंशन की हुई है। और ये जो ब्रांड है इसका सबसे अच्छा बात मुझे ये लगता है कि ये इंडिया का ब्रांड है और उससे भी अच्छी बात कि ये नेचुरल प्रोडक्ट्स बनाते हैं। इसके जो भी प्रोडक्ट होते हैं वो बिल्कुल नेचुरल होते हैं, इनमें कोई भी पैराबेन सल्फेट केमिकल नहीं होता है। एवरी अप्रूव प्रोडक्ट होते हैं और बिल्कुल नेचुरल ब्रांड है, इसमें कोई भी केमिकल कुछ भी नहीं होता है। इसलिए ये प्रोडक्ट्स बहुत अच्छे होते हैं, ऑल स्किन टाइप के लिए सूटेबल होते हैं, कोई भी नहीं यूज़ कर सकता है। मैन वुमेन कोई भी इसको यूज़ कर सकता है, इससे आपको कोई भी साइड इफ़ेक्ट या कुछ भी नहीं होता है। तो इसकी सबसे अच्छी बात मुझे ये लगती है। देन ये तो हो गई पैकेजिंग की बात। उसके बाद हम लोग हमारा जो प्रोडक्ट है कार्डबोर्ड पैकेजिंग के अंदर वो देख लेते हैं। तो ये जो प्रोडक्ट है ये कुछ इस तरह के बॉटल में आता है। आप देख सकते हो इसका पैकेजिंग भी बहुत अच्छा सा है, क्यूट सा छोटा सा बॉटल है, ट्रैवल फ्रेंडली है। यहाँ पर इसका एक कैप दिया हुआ है, तो एक लॉक आप इसको बोल सकते हो। तो जब आप इसको रिमूव करोगे, ये इसका लॉक दिया हुआ है यहाँ पर, तो जब आप इसको रिमूव करोगे तभी ये पंप है, इसके थ्रू आप प्रोडक्ट को निकाल सकते हो, प्रोडक्ट को यूज़ कर सकते हो। तो आप इसको इस तरह से लॉक करके आप अपने पास रख सकते हो, ट्रैवलिंग के टाइम पर भी इसको कैरी कर सकते हो। सो गाइस, अगर हम लोग बात करें इस प्रोडक्ट की जो कि है वाइट लोटस सनस्क्रीन सीरम विद SPF 30 PA++++, तो ये कुछ यूनिक लगा मुझे क्योंकि मैंने भी बहुत सारे सनस्क्रीन्स यूज़ किए हैं बट ये एक सनस्क्रीन सीरम फॉर्म में आता है। इसको आप कभी भी यूज़ कर सकते हो, डे टाइम में, नाइट टाइम में, क्योंकि ये आपको UVA UVB रेज से प्रोटेक्ट करने के साथ साथ आपको ब्लू लाइट से भी प्रोटेक्ट करता है। तो हाँ गाइस, जो ब्लू लाइट होती है, जैसे हम बहुत ज़्यादा मोबाइल यूज़ करते हैं आज के टाइम में, बहुत ज़्यादा लैपटॉप यूज़ होता है, तो मोबाइल और जो लैपटॉप से या टीवी से जो ब्लू लाइट या ब्लू रेज आती हैं उनसे भी आपको ये सनस्क्रीन प्रोटेक्ट करता है। तो इसलिए मुझे कुछ यूनिक लगा इसमें। वैसे तो आपको सनस्क्रीन हर वेदर में यूज़ करना चाहिए बट ये बहुत ज़्यादा लाइट वेट है, ऑयल फ्री है, फ्रेग्रेंस फ्री है, तो आप इसको इजीली यूज़ कर सकते हो। मैं इसको 1 वीक से यूज़ कर रही हूँ और मुझे काफ़ी अच्छा लगा इसको यूज़ करके, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा लाइट वेट है और ऑयल फ्री है, इससे बिल्कुल भी स्वेट नहीं आएगा आपको, कोई भी वाइट कास्ट ये नहीं छोड़ता है, इवन ये फ्रेग्रेंस फ्री भी है। तो ये बहुत अच्छा है यूज़ करने पर, आपको बिल्कुल भी पता नहीं चलेगा कि आपने सनस्क्रीन यूज़ किया है। और आप इसको अगर अप्लाई कर लेते हैं तो आपको कोई मॉइस्चराइज़र भी अप्लाई करने की ज़रूरत नहीं होगी। और मेरा स्किन टाइप तो ऑयली है, तो इसलिए मुझे ये सनस्क्रीन बहुत अच्छा लगा क्योंकि मेरी स्किन पर ये बिल्कुल बहुत अच्छे से सूट किया है। तो चलिए अब हम लोग देख लेते हैं कि इसको आपको अप्लाई कैसे करना है। तो इसको यूज़ करने के लिए आपको थोड़ा सा सनस्क्रीन लेना है, तो मैं यहाँ पर आपको बता देती हूँ। थोड़ा सा क्वांटिटी लेना है और आप देख सकते हो कुछ इस तरह का क्वांटिटी है और बिल्कुल भी फ्रेग्रेंस या कुछ नहीं है। आपको डॉट डॉट करके अपने स्किन पर लगाना है। जब भी आप बाहर जाते हैं तो बाहर जाने के 30 मिनट्स पहले आपको इसको अप्लाई करना है। इस तरह से डॉट डॉट करके आप पूरी स्किन पर लगा लीजिए और इसको इस तरह से ब्लेंड करते हुए और स्प्रेड करते हुए आपको अप्लाई कर लेना है। जब भी आप सनलाइट में जाते हैं तो आपको 30 मिनट्स पहले इसको अप्लाई करना है।
और ये देखिए कितना इजीली, कितना जल्दी ब्लेंड हो गया और ये पूरी तरह से स्किन में अब्सॉर्ब हो जाता है। और एक हल्का सा जो शीन है वो आपको स्किन पर दिख रहा होगा, एक ग्लो की तरह ये दिखता है फेस पर। तो इस तरह से आपको इसको अप्लाई कर लेना है। सो गाइस, अगर बात करें ओवरऑल रिव्यू की या फिर मेरे एक्सपीरियंस की, तो मुझे तो ये प्रोडक्ट जो है वो काफ़ी अच्छा लगा है, क्योंकि बहुत ज़्यादा लाइट वेट है। मेरा स्किन टाइप ऑयली है, तो मुझे स्वेट और ऑयल की बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है। तो बहुत ही सुटेबल हुआ है ये मुझे सनस्क्रीन, क्योंकि बहुत ज़्यादा लाइट वेट है, बिल्कुल भी स्किन पर पता नहीं चलता है, कोई वाइट कास्ट नहीं छोड़ता है, ऑयल फ्री है, फ्रेग्रेंस फ्री है, नेचुरल है, कोई भी हार्मफुल केमिकल इसमें नहीं है और कोई भी सल्फेट पैराबेन कुछ नहीं है। तो नेचुरल प्रोडक्ट है, कोई भी इसको यूज़ कर सकता है, ऑयल ऑल स्किन टाइप के लिए सुटेबल है ये। तो मुझे तो ये पर्सनली बहुत अच्छा लगा है और मुझे बहुत पसंद आया है। मैं इसको 1 वीक से यूज़ कर रही हूँ और मुझे कोई भी हार्म या फिर रिएक्शन जो है वो इसके थ्रू नहीं हुआ है। मुझे ये बहुत अच्छे से सूट किया है, तो मुझे तो ये पर्सनली काफ़ी अच्छा लगा। आप भी इसको परचेस कर सकती हो। तो अगर आप इसको परचेस करना चाहते हो, तो कूपन कोड जो है वो आपको स्क्रीन पर मैं मेंशन कर रही हूँ। आप कूपन कोड के थ्रू अगर पिलग्रिम की साइट पर जाती हो और आप इसको परचेस करते हो, तो आपको कूपन कोड से जो एक्स्ट्रा डिस्काउंट है वो मिल जाएगा। सो दैट्स इट फॉर टुडेज वीडियो। आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आया है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर लीजिए, जिससे आगे आने वाले वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिल जाएंगी और आप मेरे सारे वीडियोस देख पाओगे। सो मैं मिलती हूँ अपने नेक्स्ट वीडियो में। टिल दैन टेक केयर, थैंक्स फॉर वॉचिंग, लव यू ऑल एंड बाय।